नमस्कार दोस्तों, क्रियो पैरामेट्रिक के लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक नया कमांड सीखते हैं। फाइल को ओपन करते हैं। तो आज का जो मेरा कमांड रहेगा वो एडिटिंग में ये जो मेरा बच गया था वार्प टूल, इस पे हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको ड्रॉ करने से पहले एक हम लोग फीचर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। राइट व्यू को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूड कमांड की मदद से एक फीचर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं, इसको 10 कर लेते हैं हम लोग, इसको 300 कर लेते हैं और इसको हम लोग 150 कर लेते हैं। चलिए ओके करते हैं। तो सिमेट्रिक करके हम लोग यहाँ पर टोटल 600 कर लेते हैं इसको। चलिए बाहर निकलते हैं कमांड से। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसी व्यू को लेके, फ्रंट व्यू को लेके एक और एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करके एक और फीचर्स को ड्रॉ करते हैं हम लोग। लाइन को लेते हैं हम लोग यहाँ से, ओके करते हैं। एज अ सरफेस इसको हम लोग शूट करते हैं, 600 ले लेते हैं इसका। चलिए और ओके करते हैं। नेक्स्ट में क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, ऑलरेडी सेलेक्टेड है, और मिरर कमांड के यूज़ से इसको हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं अपोजिट साइड में और यहाँ पे ओके करते हैं। चलिए दोस्तों ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या है, एडिटिंग कमांड में जाके वार्प टूल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी रेफरेंसेस मांगेगा तो ये तीनों फिगर को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए तीनों फिगर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कमांड्स मेरा हाईलाइट हो चुके हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले बेंड कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं। चलिए अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बेंड का प्लेन डिफाइन कर लेते हैं, किस प्लेन में आपको बेंड करना है। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन हो गया मेरा ये, और यहाँ से एक्सिस आप डिफाइन कर लिए। ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट से हम यहाँ से बेंड करेंगे और एंगल पे बेंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से ये मेरा हो गया, एक्सिस डिफाइन हो गया। अब चलिए इसको हम बेंड करते हैं और बेंड करने के टाइम में आपको ध्यान रहे ये पूरा कंप्लीट जो है 350 मत कीजिएगा, 360, इसको 359 पे ही रहने दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा गैप हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये मेरा हो गया बेंड कमांड। बेंड कमांड होने के बाद हम इसी में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन से स्ट्रिच कमांड, इस पर सेलेक्ट करते हैं हम लोग। तो स्ट्रिच क्या करेगा, किसी भी पर्टिकुलर फिगर को स्ट्रिच करने में या तो इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे। ठीक है, अब जैसे ये मेरा ये है आपका जेड डायरेक्शन में स्ट्रिच है, हमको वाई में करना है, तो यहाँ से आप चेंज कर लीजिए, वाई में आ गया। अब यहाँ से स्ट्रिच करके इसको कंप्रेस कर लीजिए, 1 मिनट कंप्रेस कर लिया यहाँ से। चलिए ये और थोड़ा सा कॉम्प्रेस कर लेते हैं इसको, चलिए इतना रहने देते हैं कॉम्प्रेस करने के बाद। चलिए तो ये दोनों मेरा कमांड यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है, अब इस कमांड से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे हम ओके करते हैं। चलिए देखिए मेरा ये फाइनल फिगर जो है जनरेट हो चुका है। ये ड्रॉ होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो दोनों फेस के बीच में मेरा जो गैप रह गया है इसको हम लोग फिल करेंगे। इस सरफेस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑफसेट कमांड का यूज़ करके ऑफसेट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे 1। ठीक है, 1.5 करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं।
चलिए इतना मेरा हो जाएगा और ओके करते हैं यहाँ से। तो मेरा जो गैप था यहाँ पे दोनों मेरा फिल हो चुका है ऑलमोस्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड की मदद से एक फीचर्स को ड्रॉ करते हैं, इस प्लेन को ले लेते हैं और यहाँ पे एक स्केच करते हैं, रेफरेंसेस ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए क्लोज करते हैं फिगर को, एक सर्कल का हम लोग ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक और सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए अब लाइन कमांड का यूज करके एक फिगर को ड्रॉ करते हैं हम लोग। चलिए इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पे ट्रिमिंग कमांड का यूज करके इस फिगर को यहाँ थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं हम लोग। चलिए ट्रिम हो गया मेरा, थोड़ा सा इसको 1 मिनट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चलिए अभी थोड़ा पहले से बेटर है तुम्हारा, ओके करते हैं और यहाँ इस वीट को थोड़ा सा थिकनेस हम प्रोवाइड कर देते हैं, थिकनेस यहाँ पे 8 रहने 7 रहने देते हैं। चलिए और यहाँ पे ओके करते हैं। चलिए ये मेरा पूरा ड्रॉ हो चुका है दोस्तों। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें एडिटिंग में जाएंगे, वाप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रेफरेंस में हम लोग क्या करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री एक सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए जो कमांड मेरा रह गया था रोटेट और ये हम लोग स्ट्रिच कमांड ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो मेरा बाकी जो कमांड रह गया है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है तो स्ट्रिच कमांड में हम क्लिक करते हैं। ठीक है और यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा सा स्ट्रिच करते हैं इसको एक्स एक्शन में। ठीक है तो ये आपका बाय डिफॉल्ट हम जो है वही रहने देते हैं, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिया था हम लोगों ने। ठीक है अब यहाँ पे वाप वाप को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है और यहाँ पे क्या करते हैं हम, चलिए स्टिच करना इसको चालू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका जो है जेड डायरेक्शन में टिल्ट हो रहा है, ये मेरा देखिए एक्स डायरेक्शन में टिल्ट हो रहा है मेरा, और इसी पर्टिकुलर किसी एंगल पे देना है आपको तो इसके लिए आप वाप कर सकते हैं, बढ़ाना हो घटाना हो। ठीक है उसी तरह यहाँ कॉर्नर पे आपका जिस तरह से आपको बढ़ाना घटाना हो व्हील को उस तरह से आप यहाँ यूज कर सकते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे है मेरा, देखिए यहाँ पे एक्स और वाई डायरेक्शन में है। ठीक है तो आप अपनी जरूरत के अनुसार यहाँ पे ट्विस्ट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए इसको हम अंडू कर लेते हैं। ठीक है और अभी जो है इसमें मेरा ये वाला बच गया है आपका वाप, इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है ये तो ऑलमोस्ट अभी हम लोगों ने कर लिया वाप का, अभी देखिए मेरा यहाँ पे है इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है आप देखिए क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ये फेस मेरा हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आपको आ रहा है वर्टेक्स में, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट और यहाँ पे 6-7 करके पॉइंट है। ठीक है इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, टॉप फेस को सेलेक्ट करते हैं। देखिए टॉप फेस में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस टॉप फेस में आने के बाद इस व्हील को थोड़ा सा हम बाहर की ओर खींचेंगे या अंदर की ओर सपोज लीजिए, देखिए अंदर की ओर जा रहा है आपका,
ठीक है, थोड़ा सा और अंदर की ओर स्ट्रेच करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, जाने दीजिए इसको। चलिए, इतना ही मुझे स्ट्रेच करना था अंदर की ओर व्हील को। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे स्ट्रेच कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ भी कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं इसको। ठीक है, अभी चारों तरफ ठीक लग रहा है मेरा। तो इसका हम लोग यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है एक पॉइंट से हम लोग वहां पे या तो हाइट बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं आपका। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने देखा यूज। ये है मेरा ट्विस्ट, ट्विस्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। ट्विस्ट क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर एंगल में आपको ट्विस्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज में होगा। ठीक है, अब सपोज हम यहाँ पे चेंज करते हैं, एक्सिस मेरा चेंज हो गया, फ्लिप करते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, एक्सिस चेंज करते हैं, अब यहाँ से आप सपोज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम टॉप पे लेके जाते हैं फ्लिप करके, तो देखिए यहाँ से आप लोग यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आपको ट्विस्ट करना है यहाँ पे आप ट्विस्ट कर सकते हैं, इसको जरूरत नहीं है, अंडू कर लेते हैं कंट्रोल जेड करके। ठीक है, चलिए ये मेरा हो गया यहाँ पे, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, स्ट्रेच हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अगला आता है मेरा ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक करते हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज होता है। सपोज मुझे अब इस डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म करना है, तो इस पर हम एरो पे क्लिक करके देखिए आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो इस फिगर को आपका आगे पीछे ट्रांसफॉर्म करेगा। इस पर क्लिक करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए इसको ट्रांसफॉर्म करेगा। सेम उसी तरह मेरा इस पर क्लिक करते हैं, ऊपर से नीचे आपको ये ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, अंडू कर लेते हैं इसको। चलिए पूरा अंडू हो गया है मेरा। कंप्लीट अंडू हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला मेरा ये बच जाता है आपका यहाँ पे स्प्लाइंस, इस पर क्लिक करते हैं। इसमें देखिए आपको सबसे पहले रेफरेंस मांगेगा आपका। ठीक है, रेफरेंस में आपको एक स्प्लाइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, हम एक ड्रॉ करते हैं स्प्लाइंस को, एक सरफेस को लेते हैं सपोज, यहाँ पे क्लोज करते हैं और मॉडल में जाके एक स्केच करते हैं यहाँ पे सपोज इस सरफेस पे स्केच करते हैं, एक फिगर भी लेते हैं यहाँ पे और एक स्प्लाइंस को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सपोज। ठीक है, और यहाँ पे निकल जाते हैं इसे ड्रॉ करने के बाद, ओके कर देते हैं और वाप में रिज्यूम करते हैं। देखिए ये वाला जो स्प्लाइंस वाला ऑप्शन है, ये क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको स्प्लाइंस के थ्रू कंट्रोल करने देगा। अब देखिए यहाँ पे हम इस एक मेरा वर्टेक्स पॉइंट है, इसको आप पकड़ के आगे पीछे मूव कीजिए, देखिए तो ये ऑब्जेक्ट को आपको कंट्रोल करने दे रहा है। देखिए आप जैसा चाहिए ऑब्जेक्ट को, आप वहां से ये मूव अप डाउन जो भी है आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए मतलब एक तरह से कंट्रोल पॉइंट आपको दे दिया ये। ठीक है, आप ऊपर नीचे जहां पे भी आपको मूव कराना है आप यहाँ पे करा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं, अंडू करते हैं इसको। ठीक है, तो आप अपने जरूरत के अनुसार इसको नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे कर दिया हम लोगों ने थोड़ा सा इसको भी नीचे कर लेते हैं और यहाँ से थोड़ा हम इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ऑलमोस्ट ये मेरा जेनरेट हो गया है। ठीक है, तो ये मेरा हम लोगों ने यहाँ पे सारा कमांड जो यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया दोस्तों, और इसको फाइनल में एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए ये मेरा फाइनल फिगर जो यहाँ पे बन गया। चलिए दोस्तों उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है,
कॉपी करने के बाद हम लोग इस सरफेस को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे जिस पे पेस्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करते हैं, स्केच में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से हम लोग फ्रंट व्यू ले लेते हैं, 1 मिनट, टॉप व्यू लेते हैं और इस पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, सेम पेस्ट कर दिए हम लोगों ने यहाँ पे, और यहाँ ओके करते हैं। चलिए ये मेरा सेम हाइट रहेगा और यहाँ पे ओके करते हैं। चलिए ये मेरा फिगर यहाँ से जनरेट हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग एक इसको मूव करा लेते हैं, सेंटर की तरफ थोड़ा मूव करा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ओके करते हैं। चलिए ये मेरा जनरेट हो गया है। अब सेम इसी प्लेन पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्केच को ड्रॉ करते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे, एक क्लोज करते हैं और एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, 3-पॉइंट सर्किल को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, 1 मिनट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ओके हो गया, ओके करते हैं। चलिए ये मेरा स्केच ड्रॉ हो चुका है। स्केच ड्रॉ होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शिफ्ट कमांड का सिलेक्शन करेंगे और एक स्केच को बनाएंगे, स्केच को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, एक सर्किल को बनाते हैं छोटा सा, सर्किल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम ओके करते हैं। चलिए और यहाँ से हम क्या करेंगे, मटेरियल को रिमूव कर देंगे और यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए ये मेरा हो गया। अब सेम इसी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं शेप को और एक पैटर्न को बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्शन हम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्शन मेरा यहाँ पे इस एज को पकड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, और सेकेंड वाले में भी हम लोग यहाँ पे इसी एज को पकड़ लेते हैं। चलिए ठीक है, इसमें यहाँ पे अपोजिट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बॉटम व्यू, 1 मिनट, व्यू था से यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। चलिए ये मेरा हो गया, 4 कर लेते हैं यहाँ पे, 4, 20, 4 और 20 कर लेते हैं, ठीक है, अभी ठीक लग रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए तो फाइनल जो मेरा टायर का ये शेप था आपका, इसमें देखिए यहाँ पे स्ट्रेचेज आ गया आपका, ठीक है। चलिए ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कलर करेंगे, ठीक है। चलिए व्यू में जाते हैं, यहाँ पे कलर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंप्लीट पार्ट को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए और यहाँ पे ओके करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा एडिट करके हम लोग ब्लैक कलर कर लेते हैं, ब्लैक कलर रहने देते हैं, ओके करते हैं। चलिए और ओके करते हैं। चलिए अब मेरा जो रिम वाला पोर्शन से इसको हम पेंट कर लेंगे, यहाँ से एक सेकंड वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, सपोज ये सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इंटेंट सरफेस को सेलेक्ट करेंगे। चलिए फर्स्ट हो गया, सेकंड आगे वाला करेंगे और उसके बैक वाला करेंगे। ओके करते हैं। चलिए ओके करने के बाद इसमें हम अपीयरेंस में जाके इसको एडिट करते हैं। चलिए यहाँ ग्लास की जगह हम मेटल कर लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हम एडिट करते हैं इसको, थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं और
थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, अभी थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है आपका देखने में। चलिए ओके करते हैं और बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट अभी मेरा रिम पोर्शन था, उसको कलर करना है। चलिए दूसरा मॉडल को यहाँ सेलेक्ट करते हैं, ये वाला सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इंटरनेट सरफेस को सेलेक्ट करते हैं। ओके करते हैं। चलिए ये मेरा देखिए फाइनल जो यहाँ पे प्रीव्यू ये मेरा आ चुका है। यही सेम कलर रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये स्केच को हम लोग यहाँ पे थोड़ा हाइड कर लेते हैं, इसको हाइड कर लेते हैं चलिए देखने में, ताकि अच्छा लगे मेरा। तो देखिए ये मेरा जो फाइनल फिगर था मेरा, ये ड्रॉ हो चुका है। एक हम लोगों ने व्हील को कैसे, हम लोगों ने स्केच को भी इसको हाइड कर लेते हैं, हम लोगों ने कैसे एक सारा वाप कमांड और अदर्स कमांड्स का भी यूज़ करके हम लोगों ने ब्लाइंड कमांड और ये सब जितना भी स्वेप कमांड था आपका, इसका यूज़ करके, कॉपी कमांड का यूज़ करके एक फाइनली हम लोगों ने व्हील को ड्रॉ किया दोस्तों। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने फीडबैक्स जो है कमेंट सेक्शंस में दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस आइकन पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।